वेलकम दोस्तों, रिपेयरिंग वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में देख सकते हैं, एक क्रॉम्पटन कंपनी का टुल्लू पंप है। इसका मॉडल नंबर मिनी समुद्र 1 के नाम से है। इसका पावर रेटिंग 0.7 किलोवाट 1 HP का ये मोटर है। करंट रेटिंग 5.5 एम्पियर। कैपेसिटर वैल्यू 12.5 UF और स्पीड यानी RPM 2780 RPM है। देख ये रहा दोस्तों इसका वाइंडिंग, देख सकते हैं इस मोटर में पानी जाने के कारण इसका वाइंडिंग ख़राब हो चुका है। और ये इसका दोस्तों ओरिजिनल वाइंडिंग है जो कि कंपनी द्वारा किया गया है। तो वीडियो में बने रहे आप लोग, मैं इसमें इस मोटर का डाटा आपको दूंगा, ओरिजिनल डाटा दोस्तों कंपनी का किया हुआ, इसका ओरिजिनल डाटा मैं आपको दूंगा। तो देख सकते हैं मैं पुराने वाइंडिंग को बाहर निकाल लिया हूँ। और ये रहा दोस्तों इस मोटर का स्टेटर, इसको भी मैं क्लीन कर लिया हूँ जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। ये रहा दोस्तों इसका PVC पेपर, पुराना वाला 7 नंबर का PVC है। ये रहा हम इस मोटर का दोस्तों वाइंडिंग, पुराना वाला जिसको मैं काट कर बाहर निकाल लिया था। ये रहा दोस्तों इसका रनिंग वाइंडिंग, देख सकते हैं मैं इसको गिन लिया हूँ। इसमें दोस्तों तीन का सेट निकले, हमारा 3 का सेट दोस्तों रनिंग वाइंडिंग में और 3 का सेट दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग में। तो आइए दोस्तों अब मैं इस मोटर के स्टेटर का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों इसका स्टम्पिंग साइज़ यानी स्टेटर साइज जिसे बोलते हैं, 2.3 इंच यानी 2.5 इंच के करीब हमारा ये स्टेटर साइज है, देख रहे हैं आप लोग। और इसका इनर डाया दोस्तों 2 इंच है, देख रहे हैं आप लोग इनर डाया 2 इंच। और इसके स्लॉट पेपर का साइज 2 सेंटीमीटर यानी कि 220 mm है। ये रहा दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल जो कि 3 का सेट है, देख सकते हैं एक सेट में हमारा 3 कॉइल है और दूसरे सेट में भी हमारा 3 कॉइल है। इसका डेटा मैं आपको बताता हूँ। अब इसका रनिंग कॉइल का डेटा दोस्तों 8, 10, 12 यानी 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। फर्स्ट कॉइल में दोस्तों हमारा 55 टर्न आएगा, सेकेंड कॉइल में दोस्तों हमारा 56 टर्न आएगा और थर्ड कॉइल में दोस्तों हमारा 57 टर्न आएगा यानी 55, 56, 57। देख सकते हैं मैं पहला कॉइल इंस्टॉल कर चुका हूँ। और दोस्तों रनिंग कॉइल का SWG 23 नंबर है और वेट दोस्तों 320 ग्राम इसमें वायर लगेगा, कॉपर वायर। देख सकते हैं मैं रनिंग कॉइल का दोनों सेट इंस्टॉल कर चुका हूँ जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, मैंने रनिंग कॉइल का दोनों सेट इसमें इंस्टॉल कर दिया हूँ। अब दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल बचा है और स्टार्टिंग कॉइल में भी दोस्तों 3-3 का सेट है, देख रहे हैं आप लोग जैसे कि 8, 10, 12 और टर्न दोस्तों 72, 73 और 75 यानी 72, 73 और 75। ये दोस्तों 100% ओरिजिनल डेटा है। और स्टार्टिंग कॉइल का दोस्तों SWG 25 नंबर का तार इसमें यूज किया गया है, देख रहे हैं आप लोग। और वेट दोस्तों 270 ग्राम इसमें कॉपर वायर लगेगा स्टार्टिंग कॉइल में हमारा। तो देख सकते हैं मैं रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉइल इसमें इंस्टॉल कर दिया हूँ और धागे से अच्छे से मोटर को सिलाई भी कर चुका हूँ। अगर सेम नंबर प्लेट का कोई मोटर आपके पास आता है दोस्तों, तो ये वाला डेटा आप 100% इसमें यूज कर सकते हैं जो कि ओरिजिनल डेटा है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।